अगर भारत सहित दुनिया भर में आय की विषमता देखनी हो तो कहते हैं कि ऑक्सफैम की लेटेस्ट रिपोर्ट को देख लीजिए। आय की विषमता के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रभाव इतने गंभीर होते हैं कि ये पूरी व्यवस्था में ही असंतुलन पैदा करके रख देते हैं। कभी क्रांति तो कभी आंदोलन, कभी आक्रोश का जन सैलाब इन्हीं कारणों से देखा जाता है। नमस्कार, धे टीवी के न्यूज दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज के एपिसोड में हम ऑक्सफैम की नवीनतम रिपोर्ट की बात करेंगे जो भारत में आय की विषमता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालती है। इस रिपोर्ट के पहलुओं को जानने के पहले हमें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 38 और 39 को संज्ञान में लेना चाहिए, जो बेसिकली उन्हीं चिंताओं और लक्ष्यों को उठाते हैं जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट में भी उठाया गया है। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति, सुविधाओं और अवसरों में असमानताओं यानी इनइक्वालिटीज को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित कर लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। और वहीं अनुच्छेद 39 सभी नागरिकों को आजीविका के पर्याप्त साधन के अधिकार, भौतिक संसाधनों के स्वामित्व और नियंत्रण को सामान्य जन की भलाई के लिए व्यवस्थित करने, कुछ ही व्यक्तियों के पास धन को संकेंद्रित यानी कंसंट्रेटेड होने से बचाने, पुरुषों और महिलाओं दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने, श्रमिकों की शक्ति और स्वास्थ्य की सुरक्षा और बच्चों के बचपन और युवाओं का शोषण न होने देने की अपेक्षा राज्य और केंद्र सरकारों से करता है। अब बात करते हैं ऑक्सफैम के नवीनतम रिपोर्ट की और उसके निष्कर्षों की। ऑक्सफैम की अहम रिपोर्ट सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी हाल ही में जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत में जहां 2020 में अरबपतियों की संख्या 102 थी, वहीं 2022 में यह आंकड़ा 166 पर पहुंच गया है। किसी देश में अरबपतियों की संख्या में वृद्धि होना वैसे तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन आय की विषमता में वृद्धि होते जाना और बड़ी आबादी का निर्धनता रेखा से नीचे होते जाना जरूर बुरी बात है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट कहती है कि 2021 में भारत के 5% लोगों का देश की कुल संपत्ति में से 62% हिस्से पर कब्जा था। वहीं भारत की निचली 50% आबादी का देश की महज 3% संपत्ति पर कब्जा रहा। ऑक्सफैम की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में कोरोना महामारी शुरू होने के बाद से नवंबर 2021 तक जहां अधिकतर भारतीयों को नौकरी संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ा और सेविंग्स बचाने के लिए जूझना पड़ा, वहीं पिछले साल नवंबर तक भारतीय अरबपतियों की संपत्ति में 121% का इजाफा देखा गया। कोरोना महामारी के इस दौर में भी भारत के अरबपतियों की दौलत में प्रतिदिन 3,608 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 21 सबसे अमीर अरबपतियों के पास मौजूदा समय में देश के 70 करोड़ लोगों से ज्यादा दौलत है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के 100 सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 660 अरब डॉलर यानी करीब 54,12,000 करोड़ रुपए के पार जा चुकी है। बता दें कि इससे भारत का पूरा बजट 18 महीने तक चलाया जा सकता है। विश्लेषण के मुताबिक अगर भारतीय अरबपतियों की कुल संपत्ति पर सिर्फ 2% टैक्स ही लगाया जाए तो इससे अगले 3 साल तक कुपोषण के शिकार बच्चों के लिए सभी जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। पिछले 10 सालों में भारत में जनरेटेड संपत्ति के गैर बराबर बंटवारे के मुद्दे को भी रिपोर्ट में उठाया गया है और इसमें कहा गया है कि 2012 से 2021 के बीच भारत में जितनी भी संपत्ति अस्तित्व में आई है उसका 40% देश के सबसे अमीर 1% के हाथों में गया है। वहीं 50% जनता के हाथ में महज 3% संपत्ति ही आई है। ऑक्सफैम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया के अमीरों पर 5% टैक्स लगाने से एक साल में करीब 1.7 trillion इकट्ठे किए जा सकते हैं, जो कि दुनिया के करीब 2 अरब लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल सकते हैं। ऑक्सफैम ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान अपनी वार्षिक असमानता रिपोर्ट जारी की और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दुनिया के अमीरों की दौलत हर दिन 22,000 करोड़ रुपये बढ़ी है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के 170 करोड़ मजदूर उन देशों में रहते हैं जहां महंगाई मजदूरी से ज्यादा है।
ऑक्सफैम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दुनिया के सबसे 125 अमीर अरबपतियों के निवेश से सालाना औसतन 30 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है, जो कि आम आदमी की तुलना में 10 लाख गुना अधिक है। ऑक्सफैम रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि सुपर रिच लोगों की 183 कंपनियों में सामूहिक रूप से 2.4 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर की हिस्सेदारी है। वहीं कार्बन बिलियनेयर्स द इन्वेस्टमेंट एमिशंस ऑफ द वर्ल्ड रिचेस्ट पीपल शीर्षक वाली रिपोर्ट में कहा गया है कि जीवाश्म ईंधन और सीमेंट जैसी प्रदूषणकारी उद्योगों में इनका निवेश मानक कमजोर समूह वाली 500 कंपनियों से औसत से दुगना है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है कि भारतीय खरबपतियों पर 1% के वेल्थ टैक्स के जरिए नेशनल हेल्थ मिशन को पर्याप्त रूप में फंड किया जा सकता है और ऐसा करके 3 वर्षों के लिए 36,960 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जा सकते हैं। टॉप 10 बिलियनेयर पर यदि 5% टैक्स लगाया जाए तो अगले 5 वर्षों तक आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य देखरेख लागत को पूरा किया जा सकता है। इस प्रकार यह रिपोर्ट सामाजिक और आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ भारत के समृद्ध उद्योगपतियों पर उचित टैक्सेशन की सिफारिश सामाजिक हितों के उद्देश्य से करती है। आय की विषमता को दूर करने के लिए आपके क्या राय हैं और भारत में जो आय की विषमता लगातार बढ़ती जा रही है उसके पीछे कौन से प्रमुख कारण जिम्मेदार हैं, इनके बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगले कार्यक्रम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।